प्रतापनगर थाना से जुड़ा एक मामला सामने आया जहां पर बताया जाता है कि एक महिला को जहर देकर मार दिया जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। परिवार वालों का कहीं ना कहीं आरोप है कि पति और उसकी बहन जो ननद है उसके द्वारा जो है उनको जहर दिया गया। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है परिवार वाले लगातार रोष प्रदर्शन कर उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, क्या लगते हैं लड़की के? मैं चाची हूँ जी। लड़की काफी दिनों से परेशान थी जी। पहले भी हमने इन्होंने परेशान किया जी, मारपीट की। पहले भी महिला सेल से उनको भेजा गया था, उसके बाद भी इन्होंने मारपीट की उसके साथ। उसके बाद फिर लड़ाई दंगा हुआ, उसकी मम्मी और उसका भाई उसको लेने के लिए आए। उसका नाम रजिया है जी, वो खिजरी गाँव है जी। किस मामले को लेकर कहा सुनी होती थी परिवार में, किस बात को लेकर? वो नशे बाज था जी, घर उसका जो घर वाला जी उसका हस्बैंड है वो ज्यादा नशे करता है जी। 13 साल बाद पता लगा आपको? वो गुड़िया नहीं मान रही थी जी। हम उसको कहते थे भी तू वहाँ पे नहीं भी ना जा, तो वो नहीं मान रही थी जी। उसके पास लड़की है जी एक, तो वो कह रही थी भी चलो मैं अपनी लड़की के साथ वहीं गुजारा कर लूंगी। तब भी वो उसको घर से लेके आते थे और यहाँ के तब भी मारपीट शुरू कर देते थे। अभी हमको सूचना मिली थी कि आपकी लड़की बीमार है और तुम आ जाओ। पहले तो उसने किया था जी, घर वाले ने फोन किया जी उसके, उसके बाद फिर उसकी। तो हमारे साथ लड़की का भाई है, क्या नाम है आपका, आपको क्या फोन? मेरा नाम शिव कुमार है। हमारी लड़की 10 साल से परेशान थी, खिदरी गांव में शादी की हुई थी। बहुत पंचायतें होने के बावजूद भी 7 साल की लड़की थी। लड़की ने सोचा भी चलो मेरा समय व्यतीत हो जाएगा यहाँ। जो उसका घर वाला था लड़की का, तो वो कुछ गलत आदतों का शिकार था, नशेबाज भी था और चोरी के मामले में भी ज़्यादा था। तो कल हमारा 11 बजे लड़की ने फ़ोन किया, 11:30 बजे कल लड़की ने फ़ोन किया मेरे को, ले जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। जब हम वहाँ से चले, 2 घंटे का समय हमें आने में भी लगता है शाहबाद से यहाँ खदरी तक, बहुत सफ़र पड़ता है। 2 घंटे तक हम जब यहाँ पहुँचे तो लड़की हमारी को इन्होंने जहर दे दिया और वो हमारी सिविल हॉस्पिटल में मृत पाई गई। तो पुलिस प्रशासन प्रताप नगर में थाना FIR दर्ज की गई। FIR में भी गोलमाल किया गया क्योंकि FIR लड़के पक्ष की तरफ से की गई और यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसके बावजूद हम SP DSP को भी तलब कर चुके हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन हमें कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी लड़की को ले जाओ और इसका संस्कार दफना। संस्कार नहीं करोगे? लड़की का संस्कार करेंगे इनके अरेस्ट होने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद। हाँ, दो लोगों के नाम है। अगर ये प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम मजबूरन अपनी लड़की की लाश को लेकर रोड पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए हम समय देते हैं, 1 घंटे के बावजूद हमें रोड जाम करना पड़ेगा अगर प्रशासन इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करे। तो देखते हैं, ये परिवार वाले थे, अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुझे उनसे भी जान लेना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी हैं। सर, क्या कुछ मामला है? परिवार वालों का आरोप है कि उसको जहर दे के मारा गया, पुलिस जाँच में क्या कुछ कर रही है? पुलिस ने उसकी लड़की की रजिया की फादर की शादी राम है, गांव छपरी का साबाद का रहने वाला है, उसकी दरखास्त पे हमने 306/34 IPC का उसके हस्बैंड और उसकी ननद के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके जल्द ही आरोपियों को तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, प्राइमरी फैसी में क्या कुछ पाया गया है? प्राइमरी फैसी में ये इसका हस्बैंड इससे मार पिटाई करता था, कई बार झगड़े हुए जिससे तंग आकर उसने जहर खाया जी। तो धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे पुलिस अधिकारी, अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। परिवार वालों का लगातार आरोप था कि उसको जहर दिया गया, हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बहुत जल्द जो भी आरोपी होंगे, जो भी इस चीज के गुनहगार होंगे, जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।